हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरा चैनल फील द नेचर में। आप लोगों को शायद याद ही होगा कि आज से 2-4 महीने पहले हम लोगों ने मैंगो पे एयर लेयरिंग की थी। तो ये है मैंगो की रिज़ल्ट, एयर लेयरिंग की रिज़ल्ट। तो देखिए, ये मैं एक हाथों से वीडियो बना रहा था, इसीलिए मैंने पहले ही काट लिया था, फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे कितने सारे रूट्स है जो बाहर निकल के आ गए है प्लास्टिक से। तो फ्रेंड्स, अब इसको पॉट करना है, तो चलिए पॉट करते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये शाम को मैंने काटी थी, इसीलिए बहुत ही रात हो गई थी फ्रेंड्स, तो रात को ही मैंने लगा दी है। तो चलिए सुबह आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोगों की मैंगो की ट्री, जो मैंने 10 से 10 इंच के गमले पे, फ्लैट गमले पे लगाई है। तो रात हो गई थी, इसीलिए मैंने रात को वीडियो नहीं बना पाया मैं, तो आप लोगों के साथ अभी सुबह शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने इसका जो सॉइल सिस्टम तैयार की थी, तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे नीचे तो कुछ ग्रेवल्स रखे थे, तो ग्रेवल्स के बाद फिर थोड़ी सी सैंड, उसके बाद फिर थोड़ी सी सॉइल, उसके बाद सैंड सॉइल का मिक्सचर मैंने डाल दी थी इसमें। तो फ्रेंड्स, इसका आप लोग ट्रंक देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी सी एक बॉन्साई बनने वाली है। तो इसीलिए मैंने ये मोटी ब्रांचेस पे एयर लेयरिंग की थी। इसकी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, तो इसके लिए अफसोस है मुझे भी। तो हो सके तो मैं बाद में आप लोगों को दूसरे कुछ भी एयर लेयरिंग के वीडियो अगर बनाता हूँ तो उसमें दिखा दूँगा। तो आप लोग देखिए, ये प्लांट देखिए कितना थिक है, मेरे 2-3 उंगली से भी थिक है। तो बहुत ही अच्छी सी एक बॉन्साई बनेगी फ्रेंड्स। और आगे जाके हम लोग इसके ऊपर कुछ दूसरे मैंगो ट्री के ग्राफ्टिंग भी करने वाले हैं, तो उसका भी वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर बजाएं। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तो बाय फ्रेंड्स।